अगर यहाँ बाघ मिल गया तो मैं तेरे को खिला दूंगा उसको। सैर कर दुनिया की बंदे, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर कुछ रही भी तो, जवानी फिर कहाँ। आइए दोस्तों एक ऐसी प्लेस पर चलते हैं जहाँ का व्लॉग तो हमने बना लिया, लेकिन व्लॉग बनाने के बाद पता चला कि हम कितनी डेंजरस लोकेशन पर थे। अगर आप हल्द्वानी या सितारगंज के बीच के रहने वाले तो आपके लिए बहुत छोटा सा और अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। आप देखिए बिल्कुल ही रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो ये छोटा सा एडवेंचर जैसा हो गया है। तो लोकेशन स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। तो आज आपको लेकर जा रहे हैं, बेसिकली ये उत्तराखंड का एरिया है हल्द्वानी से नज़दीक, और चोरगलिया और हल्द्वानी के बीच में यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा एक तालाब बनाया है। फिलहाल तो लेक तो नहीं बोल सकते, लेकिन तालाब बोल सकते हैं छोटा मोटा। और ये फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड का, हल्द्वानी और चोरगिला जैसे मैंने बताया था। ये है नेशनल हाईवे, हल्द्वानी बेसिकली काठगोदाम जा रहा है सितारगंज से। तो इसी काठगोदाम नेशनल हाईवे के बीच में ये बना हुआ है छोटा सा लेक। तो आइए दिखाते हैं आपको, अगर आप हल्द्वानी या सितारगंज के बीच के रहने वाले तो आपके लिए बहुत छोटा सा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो आइए देखते हैं। मित्रों उत्तराखंड के हल्द्वानी और चोरगलिया के बीच में एक छोटा सा एरिया पड़ता है दांगी बंदर, जो रोड जाता है उसके दोनों तरफ फॉरेस्ट एरिया। और इसी फॉरेस्ट एरिया में पिछले वर्ष मैंने देखा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टूरिज्म के लिए एक लेक बनाई थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। दरअसल वो टूरिज्म के लिए कम, और जंगली जानवर जो कि गर्मियों में पानी के स्रोत जंगलों में सूख जाते हैं, तो उनके लिए बनाया गया एक तालाब था, और जिसे हम टूरिस्ट प्लेस समझकर चले गए। और वापस आने के बाद हमें क्या पता चला वो बताते हैं आपको आगे। तब तक आप इस छोटी सी लेक जो कि बनाई गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, उसका एंजॉय लीजिए। और ये क्यों बनाई गई है वो बताते हैं हम वीडियो में आगे, जो कि एक बहुत ही डेंजरस बात थी। यहाँ हाथी भी आए हैं शायद, यार पोटी करके गए हैं। बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की है। ये फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा मटमेला पानी हो रखा है, लेकिन जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो बड़ा अच्छा सा ये एरिया नज़र आ रहा था। चलने के लिए इस तरह की ये पगडंडी टाइप की ये लेक के चारों तरफ बनाई है, और लगभग 50 से 60 मीटर का लेक है। तो कभी भी आप हल्द्वानी से सितारगंज या टनकपुर इस तरफ को जा रहे हैं, तो हल्द्वानी से लगभग काठगोदाम से लगभग 30 किलोमीटर दूर है ये छोटा सा लेक पड़ता है। तो आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम इधर अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं, गाड़ी रोड साइड में पार्क करके, थोड़ा अंदर भी आ जाती है गाड़ी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लेक, और मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था इस लेक के विषय में। मैं HDR से दिखा रहा हूँ आपको, वाइड एंगल कैमरे से। तो ये देखिए लेक बहुत ही शानदार, और ये सामने देखिए रास्ता बनाया हुआ है, और ये पूरी तरह फॉरेस्ट का एरिया है। देखिए सुबह का समय है, लगभग 8:30 बज रहे हैं, तो सुबह सुबह हम आ गए हैं। और जब स्टार्टिंग में बना था तो ये लेक और भी खूबसूरत नज़र आ रही थी, क्योंकि ये पानी साफ था। अभी थोड़ा सा मुझे पानी मटमेले रंग का दिख रहा, अब वजह पता नहीं क्या, क्योंकि यहाँ पर पानी तो स्टोरेज किया हुआ है ये। सो ये बहुत छोटा सा पार्क है, तो आप आकर बैठ सकते हैं। और फिलहाल जंगली जानवर का मुझे खतरा तो इधर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बगल में ही हाईवे चल रहा है, जो जैसा मैंने आपको बताया था। लेकिन एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि काफ़ी पेड़ इधर कटे हुए हैं, ये देखिए। अब इसकी वजह से रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो हमें पीछे से जाना पड़ेगा। अब ये मेरे समझ में नहीं आया, काफ़ी पेड़ कटे हुए हैं और उसके ऊपर डले हुए हैं। अब देखिए बिल्कुल ही रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो ये छोटा सा एडवेंचर जैसा हो गया है। तो लोकेशन ये बोरी बंदर करके क्षेत्र है, तो इसी में बोरी बंदर क्षेत्र में ही ये पड़ता है। बोरी बंदर एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है। और ये रही वो लेक। तो एक छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने, सोचा कि शायद कि किसी ने ये व्लॉग अभी तक इस जगह की डाली नहीं, तो एक नई न्यू प्लेस की न्यू व्लॉग हो जाएगी आपके लिए। बेसिकली इसका टाइटल क्या दूँ ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। सो ये देखिए आप, ये है लेक, और तो काफ़ी आप इधर बैठ सकते हैं और फर्स्ट क्लास अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं। और ये देखिए ये सड़क जा रही है, और बाकी वो हाईवे जा रहा है,
और दोनों तरफ जंगल है। सो बेसिकली जब आप सितारगंज की तरफ से आते हैं तो आपको सबसे लास्ट जो पुलिस स्टेशन मिलेगा उससे 2 या 3 किलोमीटर आगे जाकर ये ब्यूटीफुल प्लेस आपको मिलेगी। सो बहुत ही खूबसूरत लेक देखिए, सुबह का समय है, सूर्योदय हो रहा है, सनराइज का टाइम है। तो ये थी ये ब्यूटीफुल प्लेस की ब्लॉग। सो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। तो फिलहाल मैं जा रहा था नीम करौली बाबा के मंदिर, तो ये ब्यूटीफुल प्लेस मेरी नज़र में पहले से थी और एक अनएक्सप्लोर प्लेस थी, तो मैं बोला भैया बना इसको भी एक्सप्लोर कर देते हैं। बेसिकली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये प्लेस बनाई। तो कैसे लगा आपको ये लेक, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी अनएक्सप्लोर प्लेसेस आपके लिए आते रहेंगे। तो मित्रों ये था एक अनएक्सप्लोर प्लेस, ऐसी प्लेसेस ढूंढने मुझे अलग ही एंजॉय आता है। तो आपके चैनल सेकर ट्रेवलर पर ऐसी ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जो भाई स्टे ट्यून्ड सेकर ट्रेवलर। सो छोटी सी क्लिप डाल देता हूँ मैं इसकी, छोटा सा ब्लॉग है जितने टाइम का भी बना भाई, क्योंकि इतनी बड़ी प्लेस है नहीं, लेकिन सुविधाजनक प्लेस है क्योंकि जो ये स्थान है ये बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है। तो आपको थोड़ा सा मैंने जैसे बताया काठगोदाम से या हल्द्वानी से आते समय 20-25 किलोमीटर बाद आपको ये प्लेस मिलेगा, और सितारगंज से आप आते हैं तो ये लेफ्ट साइड में, और हल्द्वानी से आप आते हैं तो राइट साइड में। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, मेरा फेस थोड़ा सा ब्लैक आ रहा होगा, तो बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और सुबह सूर्योदय के टाइम पर तो भाई इधर बैठना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति हो रही है। तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं अपने मित्र सूरज के साथ हम, और उसके बाद चलेंगे। सो नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए आने वाली है, वो उसका भी वेट कीजिए, और बाकी ये बोरी बंदर वाला ये खूबसूरत लेक देखिए। दोस्तों लगभग 1 घंटे का समय बिताने के बाद हम पड़ चले काठगोदाम की तरफ, परंतु अगले दिन शाम को 4 बजे जब हमने यहाँ पर एक विशालकाय हाथी देखा, तब हमें पता चला ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये लेक दरअसल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगली जीव जिसमें हिंसक जीव भी शामिल हैं उनके पानी पीने की व्यवस्था हेतु बनाई गई है। और उस विशालकाय हाथी की अगर आप व्लॉग देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए वही लेकर आऊँगा। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।